मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पांव के नीचे ही रहते हैं। हमारी पैदाइश से लेकर जो जिंदगी रही है वो कहा जा सकता है कि हवा में रखे हुए दिए जैसी रही है। एक प्री मैच्योर बच्चा जिसको बहुत सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज प्लस सिवियर ब्रीथिंग इश्यूज रहे, तो वो अपना बचपन अमूमी और नॉर्मल बच्चों की तरह गुजार ही नहीं पाया फिजिकल एक्टिविटीज में। तो उसके जो मशागिल और मरकजियत रही वो किताबें और टेलीविज़न के तज्जिए ज़्यादा तौर पर रहे। किताबें जो बज़ात खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो बैठे बैठे आपको मुख्तलिफ दुनियाओं की सैर करा देती हैं। तो यहाँ से हमारी इल्म दोस्ती शुरू हो गई। हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान के एक अंडर डेवलप इलाके से है, जहाँ लड़कियों की आला तालीम अनकॉमन है और शादियाँ जो हैं लड़कियों की कम उम्र में ही कर दी जाती हैं। लेकिन इन तमाम इकोनॉमिक क्रंच एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस को हमने अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दिया और हमने हार भी नहीं मानी और अपने अपने आला तालीम के सफ़र को जो है जारी रखा। अपनी कम्युनिटी में हम पहली लड़की हैं जो 5 घंटे की मुसाफत तय करके जाते थे, और खैरपुर से हमने जो है वो अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया। और वजह ये थी कि हमारे इलाके में कोई आला दर्सगाह थी ही नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में शुरू से ही दिलचस्पी रही है, और एक बड़ी बुनियादी वजह ये कि आई बिलोंग टू बलूचिस्तान, और अपने सूबे की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए इस सब्जेक्ट से बेहतर कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात ये कि एक लड़की पढ़ती है तो एक कुंबा और एक ख़ानदान पढ़ता है, और मैं इसी तब्दीली को लाने का तसलसल बनना चाहती हूँ। एमफिल तो करना था, एंड आई वॉज़ लुकिंग फॉर एडमिशन्स। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का एड देखा एंड देन आई अप्लाइड। 2 के बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंस थी, एक बिल्कुल नया शहर और वो भी कराची जैसा, कोई जानने वाला नहीं, एक बिल्कुल नया माहौल, लेकिन बस फिर भी हिम्मत की और अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू हुआ, ग्रीनविच ने हम में स्पार्क देखा, हमें ना सिर्फ स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ऑफर हुई बल्कि उसके साथ जॉब का मौका भी मिला, जिसकी बदौलत आज हम खुद को कॉन्फिडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। अब हम पूरा हफ्ता एज रिसर्च एसोसिएट ग्रीनविच में काम करते हैं और वीकेंड पर एमफिल की क्लासेस लेते हैं। वो जो एक आला तालीम का ख्वाब, जिसके साथ इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंट होने की भी ख्वाहिश थी, उसको पूरा करने में ग्रीनविच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कना पिन सबीन है, कना ताल्लुक उस्ता मोहम्मद ने, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी खानेवा।